बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, विधानसभा चुनावों और सरकार की उपलब्धियों पर हुई चर्चा। मोहित कंबोज पर नवाब मलिक का पलटवार, कहा ड्रग्स कांड के मास्टरमाइंड है बीजेपी नेता। गोवा में 3 दिवसीय मैरिटाइम कॉन्क्लेव शुरू, हिंद महासागर क्षेत्र के 12 नौसेना प्रमुख ले रहे हिस्सा। महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की और बढ़ेंगी मुश्किलें, कस्टडी लेने की तैयारी में सीबीआई। देश में पिछले 24 घंटे में आए करीब 10,853 नए कोरोना मामले, 526 संक्रमितों की मौत। नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। वल्लभगढ़ में प्रदूषण विकराल रूप धारण कर रहा है और गांव या शहर, नेशनल हाईवे हो या फिर रेलवे लाइन, सभी जगह प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों की माने तो प्रदूषण के कारण लोगों के नेत्रों में ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। रेलवे लाइन धुएं के कारण ट्रेनों के संचालन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये आमजन के लिए बेहद ही खतरनाक है, जो इन दिनों आप लोग के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। तो प्रदूषण की वजह को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण विकराल रूप धारण कर रहा है। आपको बता दें कि प्रदूषण की वजह से लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि रेल पटरियों पर भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, जिसकी वजह है पटाखे, क्योंकि दिवाली की रात से ही पटाखों के धुएं की वजह से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो लोग अस्थमा के मरीज हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पॉल्यूशन की वजह से हमें आंखों में काफी जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो काफी सारी परेशानियां देखनी पड़ रही है पॉल्यूशन की वजह से। क्या कहेंगे, सड़कों पर निकलते धुंध सी चादर नजर आ रही है, क्या ये? हाँ, धुंध की चादर तो रोड पे बनी रही है काफ़ी ज़्यादा, ये पटाखे वगैरह जलाए और इस चीज़ को लेके सरकार पहले तो काफ़ी ज़्यादा कह रही थी जी, बढ़ रहा है। अब क्या करें, अब सरकार भी कुछ एक्शन नहीं लेती है। पहले तो बीच में बोला था कि अब ख़त्म कर दिया पॉल्यूशन, फिर भी प्रॉब्लम बच्चों को भी रहती है और बड़े बूढ़ों को तो कुछ ज़्यादा ही रहती है। उनको वैसे भी सांस की प्रॉब्लम रहती है, बाहर निकलने में वही डस्ट वगैरह धुआँ, तो पॉल्यूशन तो है ही नुकसान। खैर, बम पटाखे जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर के ग्राम गरियाओं में शांति नंदन वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में संस्था के सचिव उदयभान मौर्य ने अपनी बेटी कर्णिका मौर्य के प्रथम जन्म दिवस के अवसर पर पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन किया, जिसमें उदयभान मौर्य और नीतू मौर्य द्वारा लिखित पुस्तक मौर्य राजवंश इतिहास के बिखरे पन्नों का संकल्पन का विमोचन आमंत्रित अतिथियों भिक्षु देवानंद वर्धन, सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार, अरेल नैनी, शत्रुघ्न कुशवाहा बिजनेसमैन हेड और कई लोग भी मौजूद रहे। सोनभद्र में छठ पूजा को देखते हुए साफ सफाई का कार्य बहुत ही युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो गया है। छठ घाटों के सफाई में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उनके साथ एनटीपीसी के सूर्यकुंड, शिव मंदिर, बाजार के दूधिया मंदिर समेत अन्य जगह पर छठ घाटों की साफ सफाई और जलाशय की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया गया है। एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सूर्यकुंड और शिव मंदिर परिसर की बेहद रूप से साफ सफाई कराई जा रही है।
चंदौली के सदर कोतवाली के इलिया मोड़ नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया, जबकि आनन फानन में मौके पर मौजूद लोगों ने बुजुर्ग को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। प्रेम प्रसंग के चलते किशोर का शव आम के बाग में लटका हुआ मिला है। खबर अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के कोकापुर गांव की है, जहां पर रामनाथ किसान का परिवार रहता है, जिसका 17 वर्षीय बेटा नौबत हरियाणा के गुड़गांव में मोबाइल टॉवर पर नौकरी करता था। उसका प्रेम प्रसंग करीब 3 वर्षों से गांव की किशोरी के साथ चल रहा था। दिवाली का त्योहार मनाने के लिए नौबत 2 दिन पहले ही घर आया था, जहां उसकी हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने गाँव के ही 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है और काफी हंगामा भी किया। मामले में नया मोड़ तब आया जब प्रेमिका ने अपने पिता और भाई पर अपने प्रेमी की हत्या का आरोप लगाया। मृतक की प्रेमिका ने पुलिस के सामने ही खुद आत्मदाह करने का धमकी दे दी और इससे पुलिस के होश उड़ गए। आनन फानन में किशोरी को घर में नजरबंद कर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस भी तैनात की गई है। बता दें कि घटना के बाद प्रेमिका के परिजन घर से फरार हो गए हैं, जबकि मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमिका के पिता और भाई के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल दिनांक 5/11/21 को रात्रि के समय थाना आदमपुर के ग्राम कोकापुर में आम के बाग में एक युवक का शव लटका मिला था, जिसमें परिवारजन द्वारा गांव के ही 2 लोगों को नामजद कर तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गई है, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। कैदी ने जेल अधीक्षक पर गोली मारने का आरोप लगाया है, जबकि गोली लगने से कैदी घायल हो गया। घायल अवस्था में कैदी को जिला जेल से जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया गया है। इस पूरी घटना में मिली जानकारी के मुताबिक 3 कैदी समेत 2 सिपाही के घायल होने की खबर सामने आ रही है। जिला जेल के हालात नियंत्रण में है। डीएम एसपी समेत अधिकारी जेल के अंदर ही मौजूद रहे। जिला प्रशासन के अधिकारी जेल के बाहर नहीं गए और फतेहगढ़ स्थित जिला जेल का यह मामला बताया जा रहा है। मैनपुरी करहल थाना के गांव मनोना की रहने वाली अवधेश कुमारी पत्नी नेम सिंह के बड़े भाई उदय सिंह, जो सेना से रिटायर्ड हैं, उन्होंने अवधेश कुमारी के अनीश पर जानलेवा हमला किया है, जिसके बाद बीच बचाव करने आई अवधेश कुमारी की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला बच्चों में विवाद होने का बताया जा रहा है। दिवाली के बाद से प्रदूषण का लेवल अचानक से बहुत बढ़ गया है। दिवाली पर पटाखों से फैले धुएं ने आसमान में स्मॉग की मोटी चादर बिछवा दी है। दिल्ली सहित यूपी के कई इलाकों में प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। ताजनगरी में भी हवा जहरीली हो गई है। 6 साल बाद फिर सबसे अधिक जहरीली हुई हवाएं 2016 के बाद ये दिवाली पर रिकॉर्ड हुई। प्रदूषण हवा में सभी गैसों का पाया जाता है। वहीं शनिवार को 442 AQI रिकॉर्ड दर्ज किया गया। साथ ही हवाओं का लेवल खतरनाक दिखाई दे रहा है। आगरा देश के सबसे प्रदूषित जिलों में 5वें नंबर पर पाया जा रहा है। तो ताजनगरी आगरा में प्रदूषण का सबसे खतरनाक स्तर देखा जा रहा है। 5वें स्थान पर बना हुआ है आगरा। आपको बता दें कि आगरा का जो ताजमहल है, उसके आसपास प्रदूषण को रोकने की काफी कोशिश की जाती है। इसके लिए टीम भी गठित की गई है। इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा प्रदूषित दिखाई दिया आगरा, और ताजमहल के पास भी काफी मोटी परत दिखाई दी है प्रदूषण की। जो धुंध दिखाई दे रहा है वो बता रहा है कि कितना ज्यादा प्रदूषण है, और इसकी शुरुआत दिवाली से हुई है, क्योंकि दिवाली वाले दिन काफी ज्यादा मात्रा में पटाखे दगाएगा। और सरकार द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक भी लगाई गई थी और हरित पटाखों को ही सिर्फ अनुमति दी गई थी। इसके बावजूद भी पटाखे जलाने की वजह से जो धुआं उठा है, उसका असर आम लोगों पर पड़ता दिख रहा है। लोगों की सेहत पर इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है।
आंखों में जलन हो रही है और उसके साथ ही कई तकलीफों का सामना भी करना पड़ रहा है। और आगरा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी हैं आगरा से। ममता, जिस तरह से प्रदूषण की मोटी परत देखने को मिल रही है आगरा में, क्या कहेंगी, पांचवें स्थान पर किस वजह से पहुंचा आगरा? जी बिल्कुल, मैम आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रदूषण में आगरा सबसे पांचवें स्थान पर आ गया है, तो उसका साफ तौर से यह है कि जिस तरह की दिवाली में जो पटाखे जो छोड़े गए हैं उसको लेकर भी ये प्रदूषण के घेरे में आ चुका है आगरा। और बाकी का जिस तरह से जो ट्रैफिक जो रूल्स हैं, लोग ट्रैफिक रूल्स का फॉलो कम कर रहे हैं। जिस तरह के ट्रैफिक पे जो रेड लाइट होती है उस पर आगरा के अंदर एक नियम बनाया गया है कि थोड़ा सा उसको इंजन को ऑफ करके रखें। और लेकर सबसे ज्यादा देखा जाए तो दीपावली के बाद ही इस तरह की ये जो तस्वीरें हैं सामने आई हैं, तो जो पटाखे हैं तो मेन कारण इसका पटाखे हो सकती है। जी मैम, पटाखों पर रोक लगाई गई थी, इसके बावजूद भी काफी आतिशबाजी देखने को मिली, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? जी बिल्कुल, जिस तरह के पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाई गई थी और आगरा के अंदर हरित पटाखों का प्रयोग करने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से जनता के लिए कहा गया था, लेकिन फिर भी जो ब्लैकमेलिंग के जरिए लोगों ने इस तरह की जो पटाखे हैं उनका इस्तेमाल किया है। और इसी का कारण मेन कारण है जो कि जो आगरा है पांचवें स्थान पर प्रदूषण के तौर पर आया। जी बिल्कुल ममता, जिस तरह से समय सीमा निर्धारित की गई थी पटाखों के लिए, क्योंकि हरित पटाखों की अनुमति तो दी गई थी लेकिन समय सीमा थी, तो आगरा में कितनी समय सीमा थी और कितने बजे तक पटाखे देखने को मिले थे आसमानों में? जिस तरह की जो समय सीमा प्रशासन की तरफ से निर्धारित की गई थी, तो लेकिन पब्लिक के द्वारा ऐसा कुछ भी इस तरह के नियम को कोई फॉलो नहीं किया गया था। जो आगरा के अंदर ओनली एक घंटे की जो पूजन के बाद में जो लक्ष्मी पूजन का समय था, उसके बाद एक घंटे का जो समय था वो निर्धारित किया गया था, लेकिन जनता के द्वारा लगातार उसको कोई उस नियम को फॉलो नहीं किया, लगातार पटाखों का इस्तेमाल किया। यही कारण, यही मेन वजह रही है कि आगरा आज पांचवें स्थान पर है प्रदूषण के तौर पर। जी ममता, पुलिस का काम कैसा देखने को मिला? जब पटाखे बिक रहे थे तो वहां पे भी कोई रोक नहीं लगी, उसके बाद जब आतिशबाजी भी लगातार होती रही आधी रात तक, तो पुलिस कहां थी उस वक्त? जिस तरह के कुछ लोगों ने सूचित भी किया गया था कि यहाँ पटाखे चल रहे हैं, तो पुलिस के द्वारा उस जगह पर उन लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ आगरा से संवाददाता ममता जुड़ी थी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आतिशबाजी हुई है और उसकी वजह से प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा खराब हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कारागार महोला इटावा का नारियल फोड़कर रिबन काटकर उद्घाटन किया। सीएम योगी ने उद्घाटन के बाद केंद्रीय कारागार परिसर का निरीक्षण करते हुए वहां उपस्थित अधिकारियों से जेल के मॉड्यूल ढांचे से जानकारी प्राप्त की। जानकारी प्राप्त करते हुए वहां की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए केंद्रीय कारागार परिसर में रुद्राक्ष के पौधे का वृक्षारोपण भी किया गया। उनके साथ राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी और अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने भी केंद्रीय कारागार परिसर में वृक्षारोपण किया। आजमगढ़ पुलिस ने गोंडा से जिले में हत्या करने आए तीन शूटरों को गिरफ्तार किया है। एसपी अनुराग आर्य ने मामले में सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गोंडा में पुलिस विभाग में तैनात आजमगढ़ निवासी दरोगा ने भाई के हत्यारोपित के कत्ल की सुपारी दी थी। दरोगा भी दूसरे दिन हत्या चढ़ गया। बता दें कि पुलिस ने रानी की सराय थाना क्षेत्र के अलीपुर डीह बाबा के पास से तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक फोटो, दो तमंचा, नौ कारतूस के साथ एक अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। सराय जनपद आजमगढ़ के द्वारा तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों अभियुक्त जनपद गोंडा थाना नवाबगंज के रहने वाले हैं। इनका नाम है दीनानाथ यादव, डफली यादव और देवेंद्र नाथ यादव, जो एक ही जगह के तीनों रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ में ये पता चला है कि ये तीनों एक मर्डर करने के लिए इस जनपद में आए थे। इनके पास से दो अवैध तमंचे, तीन 303 बोर के कारतूस और छः कारतूस 315 बोर, एक फ़ोटो, एक मोटरसाइकिल अपाचे और लगभग 2000 रुपये बरामद हुए हैं।
पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि जनपद गोंडा में एक सब इंस्पेक्टर हैं अखिलेश यादव, जो ग्राम अलीपुर थाना रानी की सराय के रहने वाले हैं और ये वर्तमान फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के इकोरा गांव में हिंदू मुस्लिम का नाम देकर लोगों को उकसाने वालों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कुछ हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। बता दें कि दो दिन पूर्व किशनपुर थाना क्षेत्र के इकोरा गांव में हुए विवाद में पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज करते हुए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, जिसको देखते हुए पुलिस फोर्स ने इकोरा गांव निवासी राहुल चौधरी के घर के बगल में मुस्लिम समुदाय के लोगों की मजार है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।